नेवाद गिरोह के दो बदमाश गिरफ्तार। महिला बन पहले दोस्ती करते थे, फिर करते थे ऑनलाइन ब्लैकमेल। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के मेवात से संचालित एक गिरोह के दो कथित सदस्यों को एक वकील को ऑनलाइन जाल में फंसाकर उससे वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, गिरोह के सदस्य दिल्ली एनसीआर के लोगों को सोशल मीडिया पर मित्रता का अनुरोध भेजते थे और फिर महिला बनकर उनसे चैट करते थे। पुलिस ने बताया, आरोपियों की पहचान अरशद खान और मुश्ताक खान के तौर पर की गई। दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं। दोनों की ऑनलाइन वसूली, ब्लैकमेल करने और सोशल मीडिया के जरिए आपराधिक धमकी के आरोपों में पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस उपायुक्त विशेष प्रकोष्ठ जसमी सिंह ने बताया, पुलिस को गुरुवार को खुफिया सूचना मिली थी कि अरशद छतरपुर के फूल बाजार में आ रहा है, जिसके आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया, सुबह करीब 6:15 पर अरशद को देखा गया और उसे पकड़ लिया गया। उसके पास से एक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अरशद से मिली जानकारी के आधार पर मुश्ताक को राजस्थान के दौसा जिले से शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया, पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि वे मेवात में सद्दाम हुसैन द्वारा संचालित गिरोह के सदस्य हैं। पुलिस ने बताया, दोनों आरोपियों ने 4-5 और सहयोगियों के साथ मिलकर दिल्ली के एक वकील को लालच देकर पहले जाल बिछाया और ऑनलाइन माध्यम से उसका असली वीडियो बना लिया। उन्होंने बताया, आरोपी वकील को ब्लैकमेल और धमकी देकर रुपयों की मांग कर रहे थे। पुलिस ने बताया, गिरोह पीड़ित को ऑनलाइन अश्लील कृत्य में संलिप्त कर अपराध में इस्तेमाल करने के लिए उसका वीडियो बना लेते थे। इसके बाद रुपयों की मांग करते थे और ऐसा नहीं करने पर वीडियो वायरल करने पर परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजने की धमकी देते थे। पुलिस ने बताया, अरशद ने खुलासा किया है कि उसकी जिम्मेदारी पीड़ितों से रुपयों की वसूली करने के लिए सिम कार्ड और बैंक खाते की व्यवस्था करने की थी। वही मुश्ताक की जिम्मेदारी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लड़की बन पीड़ित का ऑनलाइन अश्लील वीडियो बनाने की थी। पुलिस ने बताया, गिरोह के सदस्य गरीब और निरक्षर लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल उन्हें कुछ रुपयों देने की लालच देकर शिकार से पैसे वसूलने के लिए करते थे। दिल्ली से dailynewsonline.in के लिए बंसीलाल की रिपोर्ट।